वायरल एक वीडियो में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने का मामला जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में आया, इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधितों के केस वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों का अधिकार है और हम इसके प्रबल पक्षधर हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कार्य पूर्व की सरकार की परंपरा रही है, जबकि कांग्रेस सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रबल पक्षधर है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों से भी अपील की है कि वो अभिव्यक्ति के दौरान संयम बरतें। उन्होंने राजद्रोह के मामले में तत्काल वापस लेने और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए और कोई विचार व्यक्त कर रहा है उसके खिलाफ राजद्रोह जैसे मुकदमे नहीं लगने चाहिए। और हमने तो घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था 124 ए जो है वहाँ जाइए। और जैसे मुझे जानकारी मिली मैंने इसका व्यक्त की कि सरकार से नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को बिना तथ्य के अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उसके लिए अलग धाराएं हैं, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। आशीष, जिस तरह से राजनांदगांव में जो वीडियो वायरल हुआ था, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो मुख्यमंत्री ने राजद्रोह का मुकदमा वापस लेने के सख्त निर्देश दे दिए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? देखिए, राजनांदगांव जिले के मांगीलाल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर इस तरीके की भ्रामक जानकारी साझा की थी कि बिजली जो कटौती चल रही है उसे लेकर उन्होंने कई तथ्य रखने की कोशिश की थी और लगातार पिछले कई लंबे अरसे से मांगीलाल अग्रवाल सोशल मीडिया पर इस तरीके की भ्रामक जानकारी साझा भी कर रहे थे। इन तमाम जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भ्रामक जानकारी मांगीलाल अग्रवाल साझा कर रहे थे उसे देखते हुए बिजली कंपनी के अधिकारियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और एफआईआर के दौरान जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसने धारा 124A यानी राजद्रोह का अपराध कायम कर दिया। और जैसे ही इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगी उन्होंने तत्काल डीजीपी डीएम अवस्थी से चर्चा की और इस बात पर बेहद गहरी नाराजगी जताई है कि यदि कोई सोशल मीडिया पर व्यक्ति इस तरीके से भ्रामक जानकारी साझा कर रहा है तो वह दूसरी धाराएं हैं जिसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। राजद्रोह की जो धारा लगाई गई है दरअसल इसलिए भी भूपेश बघेल की आपत्ति पुरजोर तरीके से निकलकर सामने आई क्योंकि यही वो धारा है जिसे लेकर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हुए कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार के अंदर में काबिज होती है तो राजद्रोह यानी 124A की जो धारा है उसे सरकार हटाएगी। और अब जब इस धारा के तहत छत्तीसगढ़ में ही मांगीलाल अग्रवाल नाम के व्यक्ति के खिलाफ अपराध कायम कर दिया गया और ये भी आशंका प्रबल हो गई कि इसे विपक्षी पार्टियां जो हैं खासतौर पर बीजेपी जो है वो पुरजोर तरीके से भुना सकती है, सरकार पर हमलावर हो सकती है। इसके पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान दे दिया और बयान में खुद ही इन धाराओं के तहत जिस तरीके से मामले में क्या नया मोड़ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। और खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है जहां